गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स में जो पढ़ेंगे वो है ऑर्डरिंग नंबर। ठीक है, कल हम लोग ने एक्सरसाइज 1.5 पढ़ी थी, ये आज एक्सरसाइज 1.6 करने के लिए हमें ये ऑर्डरिंग नंबर पढ़ना है। ठीक है बेटा, ऑर्डरिंग मतलब किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे आप स्कूल में प्रेयर की लाइन लगाते हो तो मैम बोलती है ना, सबसे छोटा आगे खड़ा हो, फिर उसके उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके एक ऑर्डर में लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये एक तरीका होता है किसी चीज़ को भी सॉर्ट आउट करने का, पता लगाने का। देखो यहाँ पर कुछ वर्ल्ड्स की फेमस बिल्डिंग्स दी गई हैं, बड़ी बड़ी, सेंट्रल प्लाजा, उसमें 78 फ्लोर्स हैं। जैसे आप लोग देखते हो ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वहां पर 78 फ्लोर्स हैं। फिर एम्पायर स्टेट, उसमें 102 फ्लोर्स हैं। फिर विलीज टावर, उसमें 108 फ्लोर्स हैं। और फिर बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है, उसमें 163 फ्लोर्स हैं। तो देखो ये एक सिस्टमैटिक वे में लगा है, पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ठीक है ना, आप देखो आगे यहाँ पर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर था, छोटे से बड़े की तरफ, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये देखो यहाँ पर कुछ माउंटेन्स बने गए हैं, उनकी कोई पहला माउंटेन है उसकी हाइट 248 मीटर है, दूसरा माउंटेन है उसकी हाइट 168 मीटर है, तीसरा माउंटेन है उसकी हाइट 95 मीटर है, चौथा माउंटेन है उसकी हाइट 72 मीटर है। तो पहले हमने बड़ा वाला रखा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीज करते हुए, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब डिक्रीज करते हुए, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग वाले को असेंडिंग बोलते हैं और डिक्रीजिंग वाले को डिसेंडिंग बोलते हैं। ठीक है ना, अगर बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो आप क्या करोगे, पहले छोटा लगाओगे, फिर उससे बड़ा लगाओगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और अगर बोलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में तो पहले बड़ा लगाएंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, आप देखो जैसे ये क्वेश्चन यहाँ एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है री राइट द फॉलोइंग नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, तो दिया हुआ 120, 266, 163, 75, 87। तो हम लोग जो जो नंबर लिखते जाएंगे उसको हम लोग काटते जाएंगे, जिससे हमें पता रहे कि हमने ये नंबर लिख लिया। अभी हमने क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे, तो इसमें सबसे छोटा नंबर जो है वो 75 है, तो उसको यहाँ 75 को काटा और यहाँ लिख दिया। 75 के बाद क्या आ जाता है, 87, 87 को काट दिया, ये लिख दिया यहाँ पर। फिर 87 के बाद आएगा 120, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद 163, फिर उसके बाद 266। इंश्योर करने के लिए इधर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, इधर नंबर है, इधर भी 1 2 3 4 5, पूरे नंबर हमने अरेंज कर दिए, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर बी, डी और ई ये आपको कॉपी पे करना है और बाकी का आपको बुक पे करना है। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन, री राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इट मीन डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 211, 272, 230, 98, 47। तो नेचुरली 272 बड़ा है, तो हम लोग पहले 272 लिख देंगे। फिर उसके बाद 230 आ जाएगा, 230, फिर आ जाएगा 211, फिर उसके बाद 98, और फिर उसके बाद 47। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है,
दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका भी आपको बी डी और ई कॉपी पे करना है। ठीक, ये आपकी आज की एक्सरसाइज थी 1.6। ठीक, इसको कर लेंगे। और हाँ, जो मैंने बोला हुआ वो उम्मीद है आप लोग कर रहे होंगे, टाइम टाइम पर अपने हाथों को धो रहे होंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, घर पे ही रह करके पढ़ाई करनी है, घर पे ही खेलना है, किसी बगल वाले पड़ोस के घर में भी नहीं जाना है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, अपने घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। और खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद अगर कोई चीज़ छूते हैं तो उसके बाद, अपनी बुक्स भी छूते हैं तो उसके बाद अपने हैंड को वॉश करेंगे और साबुन से या हैंड वॉश से 20 सेकेंड्स तक आपको हैंड वॉश करना है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।